इस बीच जर्मनी में हुई G7 की बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच हुई सीक्रेट बातचीत लीक हो गई, जिसके बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, जो यूक्रेन जंग के बाद तेल की कमी से परेशान है। और खबर है कि इसी संकट का हल तलाशने के लिए बाइडेन जल्द ही सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। लेकिन दौरे से ठीक पहले उनके और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई कानाफूसी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें मैक्रों ने बाइडेन को साफ साफ बता दिया कि फिलहाल यूएई तेल का उत्पादन बढ़ाने के मूड में नहीं है। इसके लिए उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर हुई बातचीत का हवाला दिया। इसी बातचीत में मैक्रों ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि सऊदी अरब चाहकर भी तेल का उत्पादन तुरंत उतना नहीं बढ़ा सकता जिससे अमेरिका और दूसरे देशों की जरूरत पूरी हो सके। असल में जब पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा तो तेल की मांग काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक ने इसका उत्पादन घटा दिया। लेकिन तेल की मांग एक बार फिर बढ़ने के बाद संकट उस वक्त और ज्यादा बड़ा हो गया जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत के कुछ दिनों बाद ही रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे और अमेरिका ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। जबकि तेल उत्पादन में रूस दुनिया में तीसरे नंबर पर है और वो रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का निर्यात करता है। लेकिन उस पर बैन लगने के बाद तेल की सप्लाई को पूरी करने में ओपेक का रोल बढ़ गया, जिसमें शामिल सऊदी अरब फिलहाल हर रोज 1.5 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है, जबकि उसकी क्षमता 1.2 करोड़ बैरल प्रतिदिन की है। वहीं यूएई भी रोजाना करीब 30 लाख बैरल तेल का निर्यात कर रहा है, जबकि उत्पादन बढ़ने पर यह आंकड़ा 34 लाख बैरल तक पहुंच सकता है। और तेल की सप्लाई घटने का नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर में इसकी कीमतें आसमान छूने लगी, क्योंकि ओपेक देश इस बात पर अड़ गए कि वो तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। जबकि अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब इससे उसे ज्यादा तेल दे ताकि रूस से खरीदे जाने वाले तेल की भरपाई हो सके, क्योंकि अमेरिका में तेल की लगातार बढ़ रही कीमत की वजह से बाइडेन की साख दांव पर है। और दावा किया गया कि इसी साख को बचाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा करने का प्लान भी तैयार किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करके बाइडेन एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में है। पहला, वो सऊदी अरब को तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मनाएंगे और दूसरा ओपेक से नजदीकी बढ़ाएंगे ताकि अमेरिका में तेल की आसमान छूती कीमत पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि बाइडेन अपने प्लान पर अमल कर पाते, फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई उनकी सीक्रेट बातचीत लीक हो गई। और दावा है कि इस बातचीत के वायरल होने के बाद 1 बैरल तेल की कीमत करीब 2% बढ़कर $115 मतलब भारतीय रुपयों में 9,000 के पार पहुँच गयी। उधर पश्चिमी मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया कि यूक्रेन में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और नाटो की सेना रूस से शैडो वॉर कर रही है, मतलब ये कि नाटो और अमेरिका यूक्रेन में छिपकर रूस की सेना से जंग लड़ रहे हैं। 24 फरवरी को रूस की सेना के हमले के बाद से ही यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी हुई है और इस युद्ध में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी पुतिन का सैन्य अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब रूस ने राजधानी कीव को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस जंग में नेटो देश यूक्रेन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। रूस के सामने खड़े रहने के लिए नेटो के कई देश यूक्रेन को खतरनाक और घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया कि यूक्रेन में नेटो देशों की सेना भी छिपकर रूस की सेना के खिलाफ जंग लड़ रही है। मतलब ये कि पिछले 4 महीनों से चल रही इस जंग में पश्चिमी देश यूक्रेन को न सिर्फ हथियार भेजकर मदद पहुंचा रहे हैं, बल्कि जंग के मैदान में जेलेंस्की की सेना की तरफ से लड़ाई भी लड़ रहे हैं, ताकि पुतिन की फौज को यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने से किसी भी सूरत में रोका जा सके। क्योंकि रूस का दावा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के ज्यादातर इलाकों पर अपनी पकड़ बना ली है। इसी वजह से पश्चिमी देशों को यह डर सताने लगा है कि कहीं रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा ना जमा ले। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इसी बात से डरकर नेटो ने 4 देशों की सेना को यूक्रेन में उतार दिया, जो छिपकर यूक्रेन की तरफ से अलग अलग इलाकों में रूसी फौज के दांत खट्टे करने में जुटे हैं। दावा किया गया कि नेटो में शामिल जिन देशों की सेना रूस में छिपकर जंग लड़ रही है उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और लिथुआनिया शामिल है, जिनके कमांडर न सिर्फ रूस को हर मोर्चे पर चुनौती दे रहे हैं बल्कि यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने में भी जुटे हैं। पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के कई जासूस भी कीव में मौजूद हैं, जो यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर रूस को पीछे धकेलने की रणनीति बनाने में जुटे हैं।
हालांकि अमेरिका ये पहले ही कह चुका है कि उसके सैनिक किसी भी सूरत में रूस के खिलाफ जंग के मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने रूस को धूल चटाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी CIA की एक भारी भरकम टीम को ही यूक्रेन भेज दिया है। असल में जंग के पहले ही दिन से नेटो के देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस को रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने उस पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए हैं ताकि पुतिन को घुटनों पर लाकर जंग को किसी भी सूरत में रोका जा सके। लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी जंग जारी है और दावा है कि इसी वजह से पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ शैडो वॉर शुरू कर दी है। नए भर्ती नियम के विरोध में छात्र फिर बिहार की सड़कों पर उतरे। अग्निपथ योजना के विरोध में पटना में कुछ छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी से विधानसभा तक जाने के लिए मार्च निकाला, लेकिन इस दौरान पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया जिसके बाद भीषण आग लग गई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को टीम की कमान सौंपी गई। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक पर रॉकेट से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना का एक टैंक खड़ा नजर आया जिसके पास रूस के कई सैनिक भी मौजूद थे जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उन पर दुश्मन रॉकेट से हमला करने वाले हैं। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ यूक्रेन की फौज ने रॉकेट से हमला बोल दिया जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। अचानक हुए इस हमले में रूस का एक जवान किसी तरह बच निकला, लेकिन टैंक के पास मौजूद बाकी सैनिक हमले की चपेट में आ गए। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस हमले में रूस के कई जवानों की मौत हो गई। हालांकि रूसी सेना पर यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई। कुलगाम में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक और AC समेत करीब 2000 बसों को खरीदने की मंजूरी दे दी। उत्तराखंड के हरिद्वार में 75 साल की बुजुर्ग महिला का पुल से गंगा में छलांग लगाकर तैरने का वीडियो वायरल हो गया। लगाने की कोशिश में जुटी हैं जहां से ड्रोन को भारत की सीमा में भेजा गया था। मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों के पास से जो हथियार मिले हैं उनकी जांच के बाद यह भी दावा किया जा रहा है कि उनका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना के लिए किया जाता है। मतलब यह कि पाकिस्तान की सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है उन्हीं हथियारों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने मूसेवाला को मौत के घाट उतारा था। जांच एजेंसियों का दावा है कि ड्रोन के जरिए जो हथियार पाकिस्तान से भेजे गए थे वो पंजाब के फतेहाबाद में पहुंचे थे जो तरन तारण जिले में है और पाकिस्तान की सीमा वहां से ज्यादा दूर नहीं है। असल में कुछ रोज पहले ही दिल्ली पुलिस ने भी यही दावा किया था कि पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई पंजाब के तरन तारण में हुई थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि हत्याकांड से करीब 1 महीने पहले शूटर फौजी अंकित और दीपक मुंडे पंजाब के फतेहाबाद होते हुए मानसा पहुंचे थे, जबकि मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 शूटर जगदीप रूपा और मनप्रीत मन्नू लुधियाना होते हुए मानसा पहुंचे थे। ये भी दावा किया जा रहा है कि सारे शूटर हथियार लेने के लिए ही फतेहाबाद पहुंचे थे और फिर अलग अलग रास्तों से मूसेवाला को मारने के लिए मानसा पहुंच गए थे। UAE पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों चित होने वाले हैं। कूटनीति के लिहाज से प्रधानमंत्री का कुछ घंटों का UAE दौरा बेहद अहम बताया जा रहा जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए रिश्तों की बुनियाद रखने वाले हैं। उनकी नई चाल चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ाने वाली है। वानगी तो तभी दिख गई जब राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। प्लेन से उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से UAE के राष्ट्रपति से गले मिले। एयरपोर्ट पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने जिस अंदाज में स्वागत किया वो मोदी का कद दिखाने के लिए काफी था। तस्वीरों से साफ हो गया कि UAE और भारत के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से एक ऐसी चौकड़ी तैयार होने वाली है जो पाकिस्तान ही नहीं चीन की भी नींद उड़ा देगी। अब तक पाकिस्तान पश्चिम एशिया में भारत का दबदबा देख चुका है। पाकिस्तान के मुस्लिम देश होने के बावजूद पश्चिम एशिया की तमाम बड़ी शक्तियां भारत के साथ खड़ी हैं। लेकिन नए समीकरण तो चीन को भी बौना साबित करने वाले हो सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि इस ग्रुप में भारत की भूमिका सबसे अहम है, इसीलिए कई मुद्दों पर अमेरिका से अलग रहने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्वाड में सबसे अहम है।
अमेरिका और इसराइल भी ये बात मान रहे हैं कि एशिया में अगर चीन को कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है। भारत के इसराइल से पहले ही बेहद मजबूत रिश्ते हैं। इसराइल में बने हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक भारत ही है। यूएई से तो नजदीकियां उसी वक्त दिख गईं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम अबू धाबी की धरती पर पड़े, लेकिन अमेरिका को मिलाकर बनने वाली ये चौकड़ी एक नई कहानी लिखने वाली है। इस चौकड़ी का सबसे बड़ा मतलब तो ये है कि भारत ही वो देश है जो चीन का विकल्प बन सकता है, और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जो एशिया में ताकत का संतुलन बना सकते हैं, क्योंकि इस क्वाड में संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसके निशाने पर एक तरफ चीन होगा तो दूसरी तरफ ईरान भी होगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक ऐसे नेता बन गए हैं जिनके तीन तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ बेहद निजी रिश्ते रहे। पहले बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप, और अब बाइडेन के साथ उनके रिश्ते कूटनीति से ज्यादा निजी दिखने लगे, जिसकी मिसाल जर्मनी में दिखी। जर्मनी में G7 की बैठक में मेहमान बनकर पहुंचे प्रधानमंत्री का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। भारत के प्रधानमंत्री का रुतबा इस वीडियो में साफ दिखा। पीएम उस वक्त कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे। पीछे से बाइडेन चलते हुए उनकी ओर आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। प्रधानमंत्री मोदी जब पलटे तो उन्हें पता चला कि बाइडेन उनसे मिलने आए हैं। फिर दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों किसी बात पर जोर से हंसते हुए भी दिखे। अब तक कहा जाता था कि बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री के रिश्तों में ट्रंप वाली बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो ने सारी गलतफहमियां दूर कर दी। बल्कि बाइडेन ने तो एक ऐसा मिडिल ईस्टर्न क्वाड बनाया है जिसमें भारत की अहमियत और दुनिया में मोदी का कद दोनों बढ़ने वाले हैं। लेकिन यह भी साफ हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल कूटनीतिक रिश्ते नहीं बनाते, बल्कि वो दुनिया की महाशक्तियों से दोस्ती का रिश्ता कायम करने में भी माहिर। बल्कि अमेरिका के साथ तो भारत का गठजोड़ ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक नया कारनामा जुड़ गया। प्रधानमंत्री के पद तोंडाची डबडी वाजवत आहेत किंवा माननीय शरद पवारांना दोष देत आहेत किंवा संजय राऊत यांना दोष देत आहेत, हे सगळे बहुसंख्य मंत्री ज्या महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळामध्ये सामील झाले त्यांना उत्तम खाती मिळाली, कोणीही तेव्हा विरोध केला नाही। किंबहुना महाराष्ट्रामध्ये एक अनोखा प्रयोग होतो आहे अशा पद्धतीची त्यांची सगळ्यांचीच भूमिका होती, आणि हा प्रयोग पुढला 25 वर्ष चालायला हवा अशा पद्धतीची यांची वक्तव्य आहे। त्याच्यामुळे आता कोणत्याही कारणानं बाहेर पडायचं आहे किंवा पाटीत खंजीर खुपसायचं आहे, दगाबाजी करायची आहे म्हणून कारणं कशा करता येत आहे? या सगळ्या प्रकरणात जे राष्ट्रवादीला, काँग्रेसला किंवा माननीय शरद पवारांना दोष देत आहेत मला आश्चर्य। तो क्या करे, भारत सरकार की शिकायत पर पाकिस्तान के ईरान, तुर्की, मिस्र और यूएन के दूतावासों के ट्विटर अकाउंट पर भारत में बैन लग गया है, क्योंकि आरोप है कि पाकिस्तान ट्विटर के इन प्लेटफॉर्म से भारत में नफरत फैला रहा था, जिसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि भारत सरकार ने इसकी शिकायत सीधा ट्विटर से की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले पाकिस्तान के हाथ ही कट गए। ट्विटर के पाकिस्तानी दूतावासों के ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई करते ही उनका भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का सपना चूर चूर हो गया। भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करने लगा, और उसने दलील दी कि ऐसा करके पाकिस्तान की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। इस सख्त कार्रवाई ने पाकिस्तान की नई सरकार का दिमाग ही घुमा दिया, और दबाव में आकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक के बाद एक दो ट्वीट कर डाले। पहले ट्वीट में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उसके 4 देशों के दूतावासों के ट्विटर अकाउंट भारत में बैन करने पर आपत्ति जताई, और दूसरे ट्वीट में उसने ये बैन हटाने के लिए हाथ जोड़े। मतलब ये कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिन्नत करनी पड़ रही है, जिसके लिए वो सूचना के प्रसार का तर्क दे रहा है, जबकि पाकिस्तान के लोगों के लिए खुद ये दूर की कौड़ी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री के सख्त फैसले ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई हो। इससे पहले भारत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वाले 16 YouTube चैनल भी ब्लॉक किए जा चुके हैं, जिनमें 10 भारत के और 6 पाकिस्तान के चैनल थे, और इन YouTube चैनल को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग देखते हैं। भारत सरकार ने आरोप लगाया कि ब्लॉक किए गए YouTube चैनल पर फेक न्यूज दिखाई जाती थी और लोगों को भड़काया जाता था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन यूट्यूब चैनल पर जम्मू कश्मीर और भारतीय सेना के खिलाफ ऐसी उलझुल कहानियां दिखाई गई जिनका कोई सिर पैर ही नहीं था, या यूं कहें कि ये कहानियां सर से पैर तक झूठी थी। यही नहीं, रिपोर्ट कहती है कि ब्लॉक किए गए पाकिस्तानी YouTube चैनल पर यूक्रेन जंग पर भी भारत विरोधी बातें बोली गईं, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारत की विदेश नीति बहुत ही कमजोर है,
जबकि यूक्रेन युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। मतलब यह कि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दी थी। उसे मालूम है कि मौजूदा समय में सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिससे वो भारत की छवि खराब कर सकता है।